भारत और कनाडा के लगातार बिगड़ते रिश्तों ने दोनों देशों की चिंता बढ़ा कर रखी है। भारत ने पिछले दिनों कनाडा से अपने 62 राजनयिकों में से करीब 40 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। भारत के इस मूव को ऐसे देखा जा रहा था कि अब भारत और कनाडा के रिश्ते करीब करीब खत्म होने की दिशा में है। इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़ा खुलासा किया है। यूके की फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि भारत के विदेश मंत्री और कनाडा के विदेश मंत्री के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसकी खबर किसी को नहीं है। किसी मीडिया हाउस को भी बात पता नहीं थी। रिपोर्ट ने कहा कि पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली के बीच यूएस के वॉशिंगटन डीसी में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसके बाद बुधवार को कनाडा की विदेश मंत्री से जब मीटिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, तब जोली ने कहा कि बातचीत जब गुप्त रहती है तो कूटनीति हमेशा बेहतर होती है। दरअसल जयशंकर 27 से 30 सितंबर के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर थे। चर्चा है कि ये मीटिंग तब हुई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कथित बैठक के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून 2023 में की गई। पिछले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई भी की, जैसे राजदूतों को बर्खास्त करना, और तभी से दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी ज्यादा खराब होने लगे। यही नहीं, भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सेवा को अस्थायी तौर से बंद कर दिया। साथ ही उसे भारत से अपने राजनयिकों को कम करने के लिए भी कहा। भारत ने कनाडा के आरोपों को प्रेरित और बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। इस बीच ये खबर सामने आई है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसके बारे में कोई ऑफिशियल या आधिकारिक बयान नहीं है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के एक साथ मिलते हितों को लेकर के चलती है। जिस देश से उसका कूटनीतिक, व्यावसायिक या जियोपॉलिटिकल, हिंदी में भू राजनीतिक और आम बोलचाल की भाषा में देखे तो जिस जगह पर वो देश बसा हुआ है, ये सब दो देशों के बीच दोस्ती जैसे बीजों को अंकुरित करता है। हालांकि अभी के परिदृश्य को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते खत्म होने की कगार पर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वैश्विक राजनीति है। इसमें दो लोकतांत्रिक देश कब अपने हितों को साधने के लिए एक दूसरे के करीबी हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो भी ऐसे वक्त में जब भारत 140 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ है। भारत जिस जगह बसा हुआ है, हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र के पास, इसकी महत्ता व्यवसायिक और कूटनीतिक तौर पर समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में यूके ने भारत और कनाडा के बीच सीक्रेट मीटिंग का दावा किया है। देखना ये होगा कि कनाडा कब तक अपने सिख वोटों को साधने के लिए भारत से खराब रिश्तों का जोखिम उठा पाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।